गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए एक मैं कार्बन्स और बता रही हूँ मैं आपको, जो क्या है पीयूष ग्रंथि, शरीर का मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ के बारे में आपको बता रही हूँ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एंड बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो है, जिनका मतलब बैक है जियोलॉजी में, उसके लिए ठीक है, या फिर जो फेल हो चुके हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ये फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग है क्योंकि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखो कि पीयूष ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ शरीर में इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। देखिए मैंने डायग्राम बना के रखा है, ये शरीर के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है या उत्पन्न होती है। ये अग्र मस्तिष्क के डायोसेफलान वाले भाग नीचे दो खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी में स्पाइनल अस्थि के नामक गड्ढे में लटकी हुई है, ऐसे लटकी हुई पाई जाती है। आप देख रहे हैं उसका डायग्राम है, ठीक है। यह इन्फेंट गुलम एक छोटे ग्रंथ की देखिए, इसमें पोस्टीरियर एंटीरियर इन्फेंट गुलम भाग और हाइपोथैलेमस वाले ये भाग होते हैं, ठीक है, ये इसमें भाग बना हुआ है। आप देखोगे हाइपोथैलेमस जो होता है ये ग्रंथि भ्रूण के ग्रसिका तथा मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है। ग्रसिका और मस्तिष्क से ये उत्पन्न होता है हाइपोथैलेमस वाला भाग, ठीक है। इसके हम मास्टर, इसे हम कारण पहले मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। अंतःस्रावी हार्मोन जो होते हैं, जितने भी अंतःस्रावी हार्मोन को नियंत्रण करने का काम इसी के द्वारा होता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसकी संरचना होती 5 से 6 ग्राम की होती है, 5 से 6 ग्राम तक की ये होती है। यह जो होती है स्त्रियों में पीयूष ग्रंथि थोड़ी बड़ी होती है, जो फीमेल जो होती है उसमें पीयूष ग्रंथि क्या पाई जाती है, थोड़ी बड़ी पाई जाती है, ठीक है। इसमें और इसमें अग्रपाली मध्यपाली और पार्श्वपाली भी भाग होते हैं, अग्रपाली पार्श्वपाली इसमें भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। अग्रपाली को इंटीरियर भाग कहते हैं, इंटीरियर भाग जो होता है यानी आगे वाला भाग, ये 75% पीयूष ग्रंथि का बना हुआ होता है, ठीक है, 75%, ठीक है। इसमें बेसोफिल क्रोमोफिल भी पाए जाते हैं, इसमें 11 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो इंटीरियर भाग होता है इसमें से 11 हार्मोन सीक्रेट होते हैं या स्रावित होते हैं। ये में केवल 7 के लिए अभी अगर हमें इतने के बारे में पता है, 7 की जानकारी है, ठीक है। इसके इंटीरियर के बाद आपका आ गया इंटीरियर अग्रपाली से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है, जो 7 हार्मोन है, पहला होता है एसटीएच हार्मोन जिसे कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ओके। यह हार्मोन मेटाबॉलिक क्रियाओं में वृद्धि करता है। ये हार्मोन जो होता है लंबाई में या ग्रोथ के लिए, शरीर की लंबाई के लिए आवश्यक होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि मास्टर ग्रंथि के इंटीरियर वाले भाग अग्र वाले भाग से स्रावित होता है, ठीक है। ये हाइपर एक्टिविटी, देखो बचपन में अधिक होने पर शरीर हष्टपुष्ट बलवान दिखाई देता है, प्यूट्रिक ज्वाइंट भी कहते हैं इसमें, शरीर में प्यूट्रिक ज्वाइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आप आओगे इसकी कमी से, आप देखो इस इसमें कमी से, इसकी कमी से हमें डार्क या मिग्नेट नामक क्या हो जाता है, डार्क या मिग्नेट हो जाता है, व्यक्ति छोटा, क्योंकि ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन लंबाई बढ़ाता है, इसकी कमी से ड्रॉप या फिर हाइट कम रह जाती है बच्चों की, आप देखते हैं ऐसे व्यक्ति क्या नपुंसक बांझ होते हैं। इसकी कमी से साइमंड रोग होता है, याद रखना साइमंड रोग होता है, जिसमें शरीर में ऊतकों का क्षय हो जाता है, व्यक्ति दुर्लभ कमजोर तथा समय के पूर्व वृद्ध दिखाई देने लगता है, याद रखना साइमंड नामक रोग होता है एसटीएच हार्मोन की कमी से। साइमंड रोग होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, समय से पहले शरीर में ऊतकों का क्षय हो जाता है, दुर्बल और कमजोर दिखाई देता है, साथ ही इसमें क्या होता है, मतलब एज के पहले वृद्ध दिखाई देना, मतलब एज ज्यादा दिखाई देने लगती है इसमें साइमंड रोग में। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, जीटीएच हार्मोन जिसे कहते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। अभी मैं कौन से हार्मोन बता रही हूँ, जो कि मास्टर ग्रंथि के अग्र भाग या इंटीरियर भाग से स्रावित होते हैं। तो पहला मैंने एसटीएच, दूसरा जीटीएच। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है ये लैंगिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके द्वारा FSH हार्मोन, फॉलिक हार्मोन जो मादा में फॉलिक और अंडों के निर्माण में तथा नर में स्पर्म के निर्माण में, मतलब GST जो है, इससे क्या FC मतलब एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन, मतलब इससे स्रावित होता है।
रहा है जी जी एल से, जो मेल और फीमेल की लैंगिक क्रियाओं के लिए साथ ही जो अंडों के और शुक्राणुओं के लिए ये आवश्यक होता है। इसके बाद होता है इसी के अंदर LH हार्मोन, LH हार्मोन ल्यूटियस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन जो होता है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, जो टेस्टिस होता है उसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो करता है सीक्रेट करता है, तथा यह एस्ट्रोजन तथा प्रेस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी को प्रेरित करता है जो मादा में जो होता है अंडोत्सर्जन के समय आवश्यक होती है। प्रेस्ट्रोजन हार्मोन मिल्क ग्लैंड का निर्माण करता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद जो होगा लैक्टिजन हार्मोन जो होता है महिलाओं में लैक्टोज, अभी मैंने बताया मिल्क ग्लैंड या दूध ग्रंथियों को भी क्या करता है सक्रिय करता है और प्रेरित करता है, ठीक है। और प्रेस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये भी स्रावित होता है, जो कि क्या होता है स्राव को तेजित करता है। ये हो गया। तो आपको समझ में आया कि जो GTH हार्मोन इसके द्वारा HH हार्मोन और LH हार्मोन दो होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होगा फॉलिक हार्मोन होता है, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इसके बाद आप देखोगे ये हो गया, इसके बाद आप देखेंगे इसकी अधिकता से। अब देखें अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो इसकी अधिकता से कमी में मादा में कमी होने पर अंडों का आकार क्षीण हो जाता है, ठीक है। फॉलिक नष्ट हो जाते हैं, जो वैजाइना जो होती है और यूट्रस जो होता है वो विलुप्त हो जाते हैं, यानी महिलाओं में प्रजनन बच्चे प्रजनन देने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। एंडोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन, अब तीसरा है ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन मैंने बताया मास्टर ग्लैंड का काम ही है सभी को कंट्रोलिंग करना, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ACTH हार्मोन जो है एडिनोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन सुप्रीनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, ओके। एडिनोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन या कार्डियोट्रॉपिक हार्मोन कहलाता है, ठीक है। ये थायरोट्रॉपिक हार्मोन या थायराइड जो हार्मोन जो होता है TSH हार्मोन के को नियंत्रण करता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इसकी कमी से डायबिटेजिनी एक डायगोटोजिनी नामक हार्मोन जो होता है हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ठीक, ये हो गया। अब हो गया फास्टपाली द्वारा, अभी हो गया इंटीरियर के द्वारा, अब वो बता रही हूँ मैं आपको मध्यपाली जो होती है ये MH टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं कसौरी वाला भाग। तीसरा जो होता है आपका क्या होती है पोस्टीरियर भाग, फास्ट भाग जो होता है पोस्टीरियर भाग जो कहलाता है 1/4 वाला भाग होता है। ये प्यूट्रे इसमें क्या प्यूट्रिन कहलाता है, इसमें हार्मोन दो हार्मोन स्रावित होते हैं मोस्टली, ठीक है। पहला आप देखोगे कि वैसोप्रोपिन हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। याद रखना एग्जाम में पूछता है कि मास्टर ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में दो हार्मोन स्रावित करता है मास्टर ग्लैंड, ग्रोसोप्रोपिन वैसोप्रोपिन करता है। याद रखना पहला हार्मोन वैसोप्रोपिन हो गया और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। याद रखना यह हार्मोन मोस्टली आपका अगर उसमें ऑब्जेक्टिव आता है उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड में। तो वैसोप्रोपिन हार्मोन जो होता है पॉलीपेप्टाइड के 9 अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है। इसमें क्या पानी की मात्रा को कंट्रोलिंग करता है, जल का पुनः अवशोषण का काम है ना, यूरिन के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी में यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जा, कभी कभी जो यूरिन में कमी में यूरिन जो पानी की मात्रा क्या बढ़ जा होती है बढ़ जाती है, जिससे कि सेल जो होती है क्या संकुचित होने लगती है कोशिकाएं, और कोशिकाएं संकुच होती है रुधिर दाब बढ़ जाता है जिससे कि यूरिन ज़्यादा सिक्रेशन होती है, क्या होती है यूरिन ज़्यादा, जिसको क्या कहते हैं ड्यूरेसिस बीमारी कहते हैं, यानी वैसोप्रोपिन के कारण ही ये होती है। तो क्या बताया मैंने, जब इसकी कमी होती है तो मूत्र या यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे बार बार यूरिन पास होती है, तो बार बार जो यूरिन पास होती है इसको ड्यूरेसिस नामक बीमारी कहते हैं। दूसरा हार्मोन जो होता है मास्टर ग्लैंड से पोस्टीरियर भाग से स्रावित होता है उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन अमीनो अम्ल का ये भी बना हुआ होता है। ये गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन, जो जब अपन को गर्भाशय जो यूट्रस होता है उसकी अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं प्रसव आप जाते हैं जब डिलीवरी के समय ये हार्मोन स्रावित होता है, ओके, डिलीवरी के समय ये हार्मोन स्रावित होता है। और जब आप जब डिलीवरी होती है तो गर्भाशय को फैलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटो
ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन करता है, ठीक है, तथा गर्भाशय को भी संकुचित करता है और शिथिल करता है। तो पीयूष ग्रंथि का मुख्य काम जो होता है जो पुनर्वेशन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखिए मास्टर प्लान जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको आ सकता है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अग्रपाली के कौन कौन से हार्मोन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अग्रपाली का मतलब क्या हुआ, एंटीरियर मीन सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन हो गया पहला, दूसरा गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन हो गया, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन के बाद हो गया एंडोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित होता है अग्रपाली में, थायरोट्रॉपिक हार्मोन लैक्टेजिन है, फिर होता है इसको डाइप्टोजीन, और तीसरा हार्मोन होता है मिलेनोसाइट पेरेंट हार्मोन, ये क्या होता है अग्रपाली के। पार्श्वपाली से हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन जिसको बेसोट्रोपिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, थैंक यू।